नमस्कार और सलाम, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे पहला डेटा फ्लो ट्रांसफॉर्मेशन जिसका नाम है सिलेक्ट। शुरू करते हैं। तो मेरे पास पहले से ही यहाँ पर एक पाइपलाइन मैंने बना ली है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म सेक्शन से हम डेटा फ्लो को ऐड करते हैं, फिर इसको हम नाम देते हैं। नाम देना अच्छी बात है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो तो हर एक्टिविटी को नाम दीजिए, पाइपलाइन को, डेटा सेट को, लिंक सर्विसेज को, हर चीज़ को। तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं df select activity। फिर सेटिंग्स पे आ जाते हैं। अब इस पेन की ज़रूरत नहीं, मिनिमाइज़ कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेटा फ्लो बनाएंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने पहला डेटा फ्लो बनाया था, अब मैं एक नया डेटा फ्लो बना देता हूँ। तो जैसे मैं प्लस करता हूँ तो हमें मिल जाएगा ये टैब। यहाँ पर हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं, df select। इसको मिनिमाइज़ कर दिया। अब हम क्या करने वाले इस वीडियो में, डेटा लेक में मैंने एक फ़ाइल अपलोड करके रखी है, तो यहाँ पर मैंने वो जो फोल्डर का एक्सेस दिया आप सबको, 54 नंबर के फोल्डर में मैंने एक फ़ाइल अपलोड की है जिसको आप डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो डेटा लेक में, या कोई भी फाइल इस्तेमाल करोगे तभी चलेगा। इस एग्जांपल के लिए इतना मायने नहीं रखता। अब और एक चीज़ क्या है, जब तक कि हम काम करते हम डेटा फ्लो डीबग को भी ऑन करके रखते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी इसकी इस वीडियो से आगे पढ़ने वाली है। जब तक ये ऑन होता है हम आगे बढ़ते, डेटा सोर्स को ऐड करते। तो इसको हम कहते हैं रीड सीएसवी फाइल। इसके अंदर नाम देते वक्त क्या है, नाम ऑप्शनल है देना, लेकिन अच्छी चीज़ होगी देने के लिए, क्योंकि आगे जैसे जैसे एक्टिविटीज़ बढ़ेंगे, स्ट्रीम्स बढ़ेंगे, तो आपको नाम से ही पता चलेगा क्या है। तो नाम इस तरीके से दीजिए कि टास्क से रिलेटेड हो। थोड़ा इसको मैं ऊपर पुल कर लेता। अब हमें बनाना है डेटा सेट प्लस। तो हमारा जो डेटा सोर्स है वो डेटा लेक जेन 2 है, इसके अंदर सीएसवी फाइल है, इसको हम कहते हैं डीएस सीएसवी सिलेक्ट। लिंक सर्विस क्रिएट या सिलेक्ट करना है आपको, और फिर ब्राउज करेंगे माय कंटेनर, और फिर यहाँ पर ये वाला फाइल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, 054 डेटा डॉट सीएसवी। फर्स्ट रो एज हेडर पे टिक करके हम ओके कर रहे हैं, और आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रीव्यू करने के लिए दो तरीके हैं, या तो अक्सर जैसे हम डेटा सेट को प्रीव्यू करते हैं उसके अंदर जाके आप प्रीव्यू कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये डेटा है हमारा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा फ्लो डीबग जब ऑन हो जाता है डेटा प्रीव्यू में भी इसको देख सकते हैं। बस अभी ये शुरू हो रहा है, जब तक कि हम अगले काम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं 16 कॉलम्स है यहाँ पर सोर्स में। अगर आप यहाँ पर प्रोजेक्शन में जाते हो तो और भी यहाँ पर डिटेल में आपको कॉलम के नाम और डेटा टाइप दिखेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ कुछ कॉलम्स के। तो इसको इंटीजर करेंगे, प्रोडक्ट की को, कस्टमर की को मैं इंटीजर कर देता हूँ, और उसके अलावा क्या है, यूनिट प्राइस को भी हम इंटीजर करेंगे। जो जो कॉलम्स मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ बस उसी को चेंज कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर देना। डबल किया मैंने सेल्स को, और मान लीजिए टैक्स को भी इस तरीके से। बस अब क्या है कि इस वीडियो में हम सीख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो इससे पहले कि हम उस पर आए, तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब तक हमने जो भी वीडियोस देखे तो उसमें हमने ज़्यादातर एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल किया, जैसे कॉपी डेटा ज़्यादातर किया, और हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, डेटा मूवमेंट कर रहे थे सोर्स से डेस्टिनेशन पे। हम बीच में कहीं भी डेटा को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे थे या शेप नहीं कर रहे थे। अब ट्रांसफॉर्म का मतलब या ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि कुछ स्पेसिफिक कॉलम लेना, डेटा को फिल्टर करना, उसको एग्रीगेट करना, सॉर्ट करना, और काफ़ी सारे जॉइन करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये उस तरीके से नहीं कर रहे थे। ये सबसे बड़ा फ़र्क है एक्टिविटीज़ और डेटा फ्लो के अंदर के जो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये पावर हमें मिल जाता है डेटा फैक्ट्री में डेटा फ्लो ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए। और सबसे और भी अच्छी एक बेहतर इसमें एडवांटेज ये है, यह बात है कि आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं। ये सेम चीज़ जैसे मान लो आप डेटा ब्रिक्स प्लेटफॉर्म में या कोई भी चीज़ में सेम चीज़ करना चाह रहे हो तो आपको हर चीज़ के लिए कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए यही खासियत है इसकी कि कोड लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब देखिए यहाँ पर प्रीव्यू ऑन हो गया है, तो अगर मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ तो मुझे सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पर देखने मिलेंगे। इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, थोड़ा इसको टाइम लगेगा लोड होने में, और जब तक ये होता है अब मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर जो रीड सीएसवी का स्ट्रीम है या बॉक्स है प्लस पर। तो हमें कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन मिलते हैं, एक एक करके हम अलग अलग वीडियो में सीखेंगे। अभी के लिए सिलेक्ट। अभी सिलेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये सिलेक्ट क्वेरी की तरह है। अगर आपने सीक्वल में थोड़ा बहुत भी काम किया है तो सिलेक्ट क्वेरी क्या करता है हमें पता है।
एक टेबल में से वो जो जो कॉलम बोलोगे वो कॉलम आपको ला कर देता है। तो यहाँ पर आपको क्वेरी न लिखने की ज़रूरत न होते हुए बस आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो जैसे कि देखिए, अभी अगर आपने पहला जो सोर्स स्ट्रीम था उसको सिलेक्ट किया, अब देखिए यहाँ पर कॉलम्स भी आ गए सारे के सारे। अगर आप सोर्स सेटिंग्स में जाते हो तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन आप सिलेक्ट करते हो, हर एक का सेटिंग अलग होगा यहाँ पर, तो ये हम देखेंगे। अब इसको मैं नाम देता हूँ, जैसे मान लो आपको इसको नाम देना ज़रूरी है ताकि आपको नाम पढ़ते साथ ही अच्छे समझ में आए कि क्या कर रहे हैं। तो मैं इसको कहता हूँ सिलेक्ट कॉलम्स, बाहर क्लिक करेंगे तो ये रीनेम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक खासियत क्या है, तो सिलेक्ट क्या करता है, आपको ऑप्शन देता है कि कौन कौन से कॉलम आपको चाहिए सोर्स में से, बस वही ले लो। तो अभी जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे मान लो मुझे कुछ चीज़ें नहीं चाहिए यहाँ पर, मान लीजिए कि यूनिट प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ऐसे कुछ कॉलम्स नहीं चाहिए ऐसे मान लो, तो हम बस उनको सिलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो अभी देखो 5 कॉलम डिलीट कर दिए तो 11 ही बचे। इसका मतलब जब अब यहाँ से आगे डेटा जाएगा तो 11 ही कॉलम्स लेकर जाएगा आगे, और हमें उन 5 कॉलम की ज़रूरत नहीं थी। यही सेम चीज़ सिलेक्ट क्वेरी सीक्वल में करता है, तो वही हम चाह रहे हैं। मान लीजिए गलती से आपने कुछ किया है तो बस आप उसको रीसेट कर सकते हैं, तो वापस से 16 कॉलम मिल जाएंगे, और आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं, ऐड मैपिंग कर सकते हैं। फिलहाल हम बेसिक ही रखते हैं इसको, मैपिंग के बारे में बाद में देखते हैं। तो अभी यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, जो जो कॉलम मुझे नहीं चाहिए मैं हटा देता हूँ। जैसे मान लो मुझे सेल्स ऑर्डर नंबर नहीं चाहिए, मान लीजिए ये सब चीज़ें नहीं चाहिए हमें यहाँ पर, तो बस सिलेक्ट किया और डिलीट किया, तो 9 कॉलम यहाँ से बच गए, और मुझे लगता है ठीक है इतने सारे कॉलम्स। अब अगर हम डेटा प्रीव्यू में आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये सबसे बड़ा फ़ायदा है डेटा फ्लो डीबग को ऑन करने का, कि हमें पाइपलाइन रन करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पहले ही हमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा अप्लाई ये दिख जाता है। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए वो सब कॉलम्स नहीं हैं जो हमारे सोर्स में थे। देखिए सोर्स में कितने सारे कॉलम्स थे यहाँ पर, लेकिन सिलेक्ट कॉलम में उसने क्या किया कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद कैसा डेटा दिखेगा वो आपको पहले ही बता दे रहा है वो, और ये टेस्टिंग के वक्त या डेवलपमेंट के वक्त बहुत काम की चीज़ है। बस अब एक बार ये हो जाता है तो हम सिंक में इसको पुश करेंगे, तो सिंक करेंगे क्योंकि सोर्स और सिंक तो कंपलसरी चाहिए, हमने देखा है। यहाँ पर हम कहते हैं सिंक SQL, मतलब हम SQL को सेंड कर रहे हैं। अब इनकमिंग स्ट्रीम में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि अभी इससे पहले 2 एक्टिविटीज़ है, लेकिन इसको सिलेक्ट कॉलम्स पे ही रखना है आपको, इसको रीड CSV नहीं करना है, क्योंकि सिलेक्ट कॉलम इसका पहला वाला स्ट्रीम है जिससे डेटा हम लेने वाले हैं। हमें रीड CSV से डेटा नहीं लेना है इसमें पुश करने, हमें सिलेक्ट कॉलम से लेना है। इसका नाम थोड़ा सा हम कर देते ठीक से सिलेक्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे एक डेटा सेट जो पॉइंट करेगा SQL DB को, DS सिलेक्ट सिंक। फिर इसके बाद लिंक सर्विस आपने अगर बनाई नहीं है तो बना लीजिए। अब यहाँ पर नया टेबल बनाना है, इसमें लिंक सर्विस शायद चेक करते हैं, दूसरी लिंक सर्विस ले लेते हैं हम, न्यू। अब स्कीमा मेरा डिफ़ॉल्ट DB हो रहेगा, और भी अगर कोई स्कीमा दूसरा है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं TBL सिलेक्ट, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ट्रांसफॉर्म XFORM, बस ओके। अब क्या है, आप चाहे तो टेस्ट कनेक्शन वगैरह भी यहाँ से कर सकते हैं जैसे हम पहले कर सकते थे। इसको चेक करेंगे हम ओपन, यहाँ से अंदर से भी आप टेस्ट कनेक्शन कर सकते थे, ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ भी अगर आप प्रीव्यू देखेंगे तो हर स्ट्रीम पे या हर स्टेप पे कैसा डेटा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये फ़ायदा है डेटा प्रीव्यू का देखने से। लेकिन उसके लिए आपको डेटा फ्लो डीबग को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे वो स्पार्क क्लस्टर को शुरू कर देगा। तो अब सब कुछ ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, पाइपलाइन में आके इसको डीबग पे क्लिक करेंगे ताकि ये पाइपलाइन रन हो जाए। बस अभी इसको कुछ 20 से 30 सेकेंड लगने चाहिए लगभग, इस पूरे के पूरे पाइपलाइन को कंप्लीट करने के लिए। तो यही मज़ा है कोड फ्री एनवायरनमेंट जो है डेटा फैक्ट्री का। अब और भी आपको इसमें मज़ा आएगा, क्योंकि हम डेटा ट्रांसफॉर्म होते हुए देख सकते हैं।
बस ये हो गया, तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पर 100 रोज़ आ गए। और अब हम चले जाते हैं यहाँ पर, हमारे टेबल का नाम था टीबीएल सिलेक्ट एक्स फॉर्म, मतलब ट्रांसफॉर्म, रन किया तो देखिए ये 9 कॉलम्स और 100 रोज़ आपके आ गए। तो इस तरीके से क्या है, हम एक एक करके ट्रांसफॉर्मेशन सीखने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए शुक्रिया, बने रहिए, धन्यवाद।